दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश और मैं आज जिस सुंदर, बेहतरीन और खूबसूरत जगह पर आया हूँ वहाँ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। मैं भाई इसे के जोनटा में, हिमाचल के जोनटा में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आसपास आपको देखने पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भाई गेहूँ की खेती उगी हुई है। खैर, ये तो गेहूँ नहीं है, लेकिन ये देख रहे होंगे भाई, यहाँ पर देख लीजिए आप, इधर जो पहाड़ों को काट करके भाई किस तरह से खेती करने लायक जगह बनाई गई है। ये भाई पहाड़ों को काट काट के खेती करने लायक जगह बनाई गई है भाई। और पीछे देख लीजिए भाई, पीछे आपको थोड़ा जंगल सा जबरदस्त पहाड़ है। यहाँ से पहाड़ का नज़ारा क्या जबरदस्त दिखाई दे रहा है और आपको घर भी दिखाई दे रहे होंगे। जो अभी मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ये यहीं के ये घर हैं। तो देख लीजिए भाई, पहाड़ का नज़ारा कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त पहाड़ है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँगा, अभी रुके रही है वीडियो में। ये देखिए भाई, पीछे देखिए, शायद पीछे आपको अगर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो मैं आपको कैमरा बैक करके भी दिखा दूंगा। लेकिन भाई इन पहाड़ों को गौर से देख लीजिए, जिन पहाड़ों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे के पहाड़ हैं, जो ब्लैक ब्लैक पहाड़ दिखाई दे रहा है उससे भी ऊपर आप देखने की कोशिश कीजिए तो आपको कुछ बर्फ के जमे हुए पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, गौर से देख लीजिए भाई, यहाँ से एकदम जबरदस्त सीन लग रहा है ये मान लीजिए। पर मैं सर कभी गया नहीं हूँ, पर भाई इन पहाड़ों पर अभी सर्दियों के टाइम पर यह गजब की बर्फ जमी हुई है और कुछ पेड़ पौधे भी छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। कैमरा वो करते हैं और भाई अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ का सीन कुछ इस प्रकार का है। तो पीछे का सीन आपने देख लिया भाई, क्या जबरदस्त सीन है। अभी धूप हो गई तो शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देख लीजिए भाई, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार का काम धंधा चलता है। और ये बरसी फरसी है जो गाय भैंसों के लिए बरसी की खेती हो रखी है और पहाड़ों को काट काट के इस प्रकार से भाई यहाँ पर खेती की जाती है। और घर तो आपको मैंने दिखाई दिए, देख लीजिए भाई, इस प्रकार के यहाँ पर खेत में घर हैं जो कि बहुत दूर दूर मिलते हैं भाई, 500 मीटर 1000 मीटर के बाद एक घर मिलता है यार। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई कितना जबरदस्त लग रहा है यार, कुदरत ने इसको फुर्सत में बनाया है, पता नहीं क्या यार चीज बनाई है। देखो यार क्या मस्त लग रहा है, एकदम यार बढ़िया लग रहा है भाई। यार ये पेड़ बहुत खतरनाक पेड़ है भाई। भाई ये पेड़ क्यों इतना खतरनाक है, इस पेड़ को देख रहे हो ना आप, इस पेड़ को गौर से देखो। इस पेड़ को देखने पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये कांटे दिखाई दे रहे हैं ना भाई। देखो ये उंगली में लगा रहा हूँ, ये कांटे इसके इतने खतरनाक है ना कि अगर इसको तोड़ के और किसी बंदे के ऊपर मार दिया तो भाई वो बंदा मर जाएगा। चाकू से अति भयंकर काम करेगा ये, इतना भयानक पेड़ है भाई। कहा जाता है कि यार महाभारत काल में भी जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे ना, उनका भी इसी से सर्वनाश हुआ था। जो गांधारी ने श्राप दिया था वो यही पेड़ है भाई, यही पेड़ लग रहा है मुझे। और देख लीजिए चारों तरफ फैला हुआ है, इसके कांटे बहुत भयंकर हैं यार। इसके कांटे यार देखो यार, इसमें कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। अगर किसी को इसको तोड़ के और किसी बंदे की गर्दन पे चला दिया ना तो बंदे की गर्दन सीधी उड़ जाएगी। और ये एक ही पेड़ नहीं है, यहाँ पर भाई बहुत पेड़ हैं इस तरह के, देख लीजिए भाई। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, और भी बड़ी अच्छी दिखाऊंगा।